Hello everyone, welcome to this new video on the profit curve. Guys, ये स्टॉक अभी मेरे रेडार पे है. मतलब मैं इसमें इन डेप्थ एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा हूँ, बट आई थॉट इट्स अ गुड टाइम टू शेयर विथ यू क्योंकि अभी रेडार पे आया है. सो एज यू कैन सी, बाय द वे, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. दिस वीडियो इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एडुकेशन पर्पजेस. ओके, तो कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स, ये बेसिकली आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है एज एन एनबीएफसी, एंड एज यू कैन सी इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स. मतलब बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस में है. सबसे जो पहली अच्छी चीज है, मार्केट कैप 800 करोड़ का है ना. सो क्लियरली मतलब माइक्रो कैप स्मॉल कैप से कम ही पकड़ो इसको आप, राइट. करंट प्राइस 247, वेरी क्लोज टू इट्स बुक वैल्यू. सो प्राइस टू बुक रेशियो 1 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2.39. ऐसा जब मुझे कुछ मिलता है ना गाइस, तो मेरी मतलब डेफिनेटली मेरी रिसर्च बाहर आ जाती है. दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स एक्चुअली वो आंखों में बहुत अच्छे से आ जाते हैं. लुक एट आरओसी एंड आरओई, ये देखिए. इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने स्टॉक के साथ कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज अभी तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस में जस्ट घुसा हूँ. आई हैव टू सी कि ये कंपनी के प्रमोटर्स कुछ गफला वफला तो नहीं है. कभी कभी ऐसी कंपनीज में देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट कुछ ना गड़बड़ हो. ये देखिए 2024 में अगर हम देखेंगे तो इनफैक्ट 2023 नवंबर में 187 था, तो अभी अपने हाथ से ये निकला नहीं है पूरी तरह. देन इट रीच्ड अ हाई ऑफ 331, 331, या वहां से अभी करेक्शन मोड पे और बहुत अच्छे पॉइंट पे है ये. 200 डेमा क्रॉस किया 223, आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी. बट ठीक है, अभी 200 डेमा तो क्रॉस हुआ है, तो 50 डेमा अगर क्रॉस होता है, विच इज 250, ये देखो ना आप, 250 का अगर क्रॉस करता है, आई थिंक ये 275, 280 तक आराम से एक बार आपको जाता हुआ दिख सकता है इफ इट क्रॉसेस 250. डेट फ्री कंपनी है, मेरे सारे क्राइटेरिया ऑलमोस्ट इसमें ऊपर ऊपर से तो मैच हो रहे हैं. बट एज आई सेड गाइज, अभी जंप करने की जरूरत नहीं है. मैं वैसे भी ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका डेप्थ में देखना पड़ेगा. आई हैव टू सी इन डेप्थ. सो इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी एक्सपीरियंस विद दिस स्टॉक, फील फ्री टू शेयर विद मी कि आपने कभी इसमें रिसर्च किया है. चिराग चिराग चोपड़ा, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका रिसर्च काफी अच्छा है चिराग. आई गिव यू ओपन इनविटेशन, आप शेयर कीजिए. देखो ये होता है कंपनी में इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और यही मैं देखता हूँ स्पॉटिंग के टाइम. मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ, मुझे क्या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है. 6 करोड़ नेट प्रॉफिट, 9 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर सीधा 313 एंड 334. नाउ व्हेन यू लुक एट सच माउथ वाटरिंग नेट प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट, ये जो जंप आप देखते हो 1 करोड़ से सीधा 313, कुछ गड़बड़ हो सकती है. बिकॉज प्रमोटर्स कितने एथिकल हैं, अभी मुझे वो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इस कंपनी की अभी तक अपने को पता नहीं चली है. सो इट्स वेरी अर्ली टू स्पॉट दिस और ये बताना कि भाई हमने बहुत कुछ बड़ा देख लिया. लेकिन जहां मेरी नजर आके अटक रही है वो ये, लास्ट ईयर में इनका जो सेल्स ग्रोथ है, देखिए 4000% बढ़ गया है. और लास्ट ईयर में ट्रेलिंग 12 मंथ्स TTM इनका प्रॉफिट ग्रोथ 3000% बढ़ गया है. तो पिछले 1 साल में कंपनी ने कुछ तो उखाड़ा है, समथिंग दे हैव डन करेक्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब सेल्स छप्पर फाड़ के बढ़े हैं, रेशियोज अच्छे हुए हैं, आरओसी बढ़ा है. हो सकता है अकाउंट्स में कुछ इन्होंने, आई एम नॉट श्योर इन्होंने क्या कवरी घुमाई है, वो तो अभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ही पता चलेगा. मैं पढ़ रहा हूँ, एज आई सेड, इसके कॉन कॉल्स अभी सुन रहा हूँ. चिराग, दिस केस स्टडी इज फॉर यू माय डियर. अगर आप देख रहे हो ना, आई थिंक दिस इज वन कंपनी आई वुड अप्रिशिएट योर कॉमेंट. अब देखिए, प्रमोटर जिस कंपनी में स्टेक बढ़ाता है, ओवर द लास्ट 2 ईयर्स प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 71.53 से बढ़ा के 74.89 किया है, विच इज अ ग्रेट साइन. एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ ग्रेट साइन, इट्स वेरी रेयर. ये पहला साइन तो यही हमें अच्छा लगा. दूसरा एक हल्का नेगेटिव है, जो ठीक है, एफआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा, आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग मोड में. एफआईआईज तो रोज बेच रहे हैं, वैसे भी बेच रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक पब्लिक के पास पड़ा हुआ है 22%, तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इस स्टॉक.
अभी और निकलेगा, आई मीन आई जस्ट थॉट आई विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस, अभी और देखेंगे इसमें क्या क्या निकलता है, बट अच्छी कंपनी लग रही है। वैल्यूएशन सी, फुल मार्क्स टू दिस कंपनी ऑन वैल्यूएशंस, बट एज आई सेड आई विल हैव टू डिग डीपर इनटू मोर डिटेल्स, एक बार डिटेल में देख के ही पता चलेगा, फिर इस पे दोबारा एक वीडियो जरूर बनाएंगे, राइट? बट गाइस देखिए, इसी तरह की कंपनीज में आपकी नजर होनी चाहिए। मैंने स्क्रीनर पे एक सिंपल लिस्ट चलाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स करके मैंने सर्च किया था स्क्रीनर पे, और मेरे पास ये पूरा लिस्ट आया है। 10 स्टॉक हैं इसमें, 10 के 10 स्टॉक मेरे पास आए हैं। ब्राइटकॉम छोड़ दीजिए, प्रमोटर्स आर नॉट गुड, जिंदाल फोटो पता नहीं, वीएलएस फाइनेंस एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन मेरी नजर इस पे आके अटक गई, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट, मेरे को ये ठीक लग रही है संभव। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और कुछ और अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए कीप प्रॉफिटिंग गाइस।